नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक एक के बाद एक नए आरोप लगा रहे हैं। अभी तक वो एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर हमलावर थे, लेकिन अब वो बीजेपी पर आरोप लगाते और निशाना साधते दिख रहे हैं। नवाब मलिक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक सीडी का जिक्र कर दिया है। आखिर नवाब मलिक ने क्या कहा, क्या है सीडी कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर नया बम फोड़ा है, लेकिन इस बार उनके निशाने पर समीर वानखेड़े नहीं बल्कि बीजेपी है। नवाब मलिक पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छे से पता है कि अंडरवर्ल्ड के साथ किसके संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने बीजेपी नेताओं की सीडी सार्वजनिक कर दी तो वे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दरअसल हाल ही में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले लोगों से जमीन खरीदने का आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। मलिक ने कहा कि उन्हें पता है कि बीजेपी नेता किस तरह के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस बात का भी खुलासा करेंगे कि बीजेपी के किस नेता ने मंदिर के लिए आवंटित जमीन को हड़प लिया है। मलिक ने कहा कि इससे पहले बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए नेता एकनाथ खड़से ने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ ईडी को लगाया गया तो मैं सीडी लाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो सीडी है मैं उसे निकालकर लोगों को नहीं दिखा सकता। नवाब मलिक ने कहा कि जब ईडी ने हमारे पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को नोटिस भेजा था तो मैंने ही उन्हें खुद ईडी दफ्तर में पेश होने की सलाह दी थी। पवार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद से ही ईडी को अपने कदम वापस लेने पड़े थे। मलिक ने कहा कि वे जल्द ही ईडी के खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़कर इस जांच एजेंसी का पर्दाफाश करेंगे। इससे पहले नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगातार कई आरोप लगाए हैं। दरअसल नवाब मलिक की बातों से ये लग रहा है कि वो ही सबसे सच्चे और अच्छे नागरिक हैं। बाकी बीजेपी, ईडी, सीबीआई, एनसीबी, आईटी सभी एजेंसियां और उनकी विरोधी पार्टियां भ्रष्ट हैं, जबकि ये दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार की करनी क्या है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।